चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, जहां शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है। 2 साल पुराना रेत खनन नियम निरस्त करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है, इसमें 2 साल पुराना रेत खनन नियम निरस्त करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। तो सरकार के खजाने में 300 करोड़ रुपए आएंगे। केंद्रीय योजनाओं के लिए आपसी सहमति से जमीन मिलेगी। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2021 लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है। 2 साल पुराना रेत खनन नियम निरस्त करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार के खजाने में 300 करोड़ रुपए आएंगे। केंद्रीय योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश में आपसी सहमति से जमीन मिलेगी। तो सिंगरौली में पीडीएस से फोर्टिफाइड चावल बांटने का प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही सहकारी बैंकों में किसानों को ऋण चुकाने की समय में वृद्धि मिलेगी। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसमें 2 साल पुराना रेत खनन नियम निरस्त करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। तो आज खजाने में सरकार के 300 करोड़ रुपए आएंगे। एक अहम बैठक शिवराज कैबिनेट की होने जा रही है। केंद्रीय योजनाओं के लिए आपसी सहमति से इसमें जमीन मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2021 को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। अहम बैठक आज होने जा रही है। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। चलिए, तो किस तरह से रहेगी आज की शिवराज कैबिनेट की बैठक, जान लेते हैं। हमारे साथ अंकुर जी लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, आज शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है, कई प्रस्ताव इसमें लाए जाएंगे। किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, या फिर कह सके कि किन किन प्रस्तावों पर फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे मंत्रालय में होने वाली है। निश्चित तौर पर आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव इसमें रखे गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो अवैध कॉलोनियों को वैध करने का मामला है, उसको लेकर आज सभापति बन सकती है। निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव के पहले सरकार के द्वारा एक कह सकते हैं इस मामले में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नगरीय निकाय चुनाव जो कि कुछ समय बाद प्रस्तावित है, तो इसको लेकर भी एक बड़ा फैसला इसमें लिया जा सकता है। बात करें अगर खनन नियम की, तो जो 2 साल पुरानी खनन नीति है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है, और जिससे राज्य सरकार को 300 करोड़ का फायदा होने वाला है। निश्चित तौर पर ये प्रस्ताव भी है। इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश में उन योजनाओं के लिए जमीन दी जाए, इस पर भी आपसी सहमति बन सकती है। इसके अलावा और भी जो प्रस्ताव, उन सब प्रस्तावों पर आज शिवराज कैबिनेट में चर्चा होने वाली है। जी बिल्कुल अंकुर जी, जानना चाहेंगे साथ ही इस प्रस्ताव में सिंगरौली का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें पीडीएस से 45 चावल बांटने का प्रस्ताव लाया जाएगा। तो ये प्रस्ताव किस तरह का रहेगा, 45 चावल बांटने का? साथ ही इसका जो खर्च वहन होगा, केंद्र सरकार कितना करने वाली है, राज्य सरकार कितना करने वाली है? बिल्कुल, दोनों ही सरकारों का अपनी अपनी एक हिस्सेदारी बनाई गई है कि जो 45 चावल जो सिंगरौली में वितरण किया जाएगा, इसमें दोनों ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की अपनी अपनी एक वो बता दी गई है कि दोनों का अपना कितना कितना शेयर रहेगा, कितना कितना वो रहेगा। तो इस प्रस्ताव को भी आज मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा मैं बता दूं, सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज पर ऋण चुकाने की समय में भी वृद्धि की जाएगी, क्योंकि जो समय सीमा रहती थी, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में समय सीमा जो है वो बढ़ाने की कई दिनों से मांग की जा रही थी कि जो समय सीमा बढ़ाई जाए। ऐसे में ना किसानों को दिक्कत हो, ना कह सकते हैं बैंकों को समस्या हो, तो ऐसे में जो समय सीमा है उस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। जी बिल्कुल अंकुर जी, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो आज शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। 2 साल पुराना रेत खनन नियम निरस्त करने का प्रस्ताव आएगा, उस पर भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही सहकारी बैंकों में किसानों को ऋण चुकाने की जो समय है, उसमें भी वृद्धि की जा सकती है। तो निश्चित ही आज की कैबिनेट बैठक से किसानों को भी एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथ ही सिंगरौली में पीडीएस से 45 चावल बांटने का भी प्रस्ताव होगा, जिसमें 75% जो खर्च का वहन है वो केंद्र सरकार करेगी और 25%